बाबा जी का ये उद्देश्य आध्यात्मिक गुरु हो भारत देश, हाथ जोड़ कर विनय हमारी हो जाओ सब शाकाहारी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम आदीन अशरण अब शरण मिलीजिए। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी साधक प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, पहले के समय में लोगों के अंदर धार्मिक भावना बहुत ज़्यादा थी। कुछ न कुछ पूजा पाठ, रोज़ा नमाज लोग करते ही रहते थे। आज की तरह से अफरा तफरी का माहौल नहीं था, वातावरण बहुत शांत था। जगह जगह पर प्रवचन सत्संग होते रहते थे, वहाँ पर लोग जाते थे, सुनते थे। मिलावटी बातें सत्संग में नहीं मिलती थी, प्योर चीज मिलती थी। और अगर नहीं मिल पाता था सत्संग, तो जो महात्माओं के मुँह से निकली हुई बातें थी, जिसको उस समय के लोगों ने लिखा हाथ से, उन पुस्तकों को ग्रंथों को लोग पढ़ते थे और समझने की कोशिश करते थे। तो जो लोग जाते थे सत्संगों में और सुनते थे, ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उनको वो बात याद आ जाती थी और किसी को कोई शंका होती तो समझा देते थे, समाधान कर देते थे। क्योंकि महात्माओं की जो बातें होती हैं, जो पुस्तकें होती हैं, हर किसी के समझ में जल्दी शुरू में नहीं आता है। सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते तब थोड़ी समझदारी आती है। तो कोई प्रश्न भी होता था तो लोग प्रश्नों को लेकर के सत्संगों में जाते थे, प्रश्न करते भी थे। लेकिन गुरु महाराज जैसे समर्थ संत का सत्संग जब मिल जाता था, तो उसी में सारी बातें आ जाती थी, सारे शंका का समाधान हो जाता था। क्योंकि गुरु महाराज जैसे पूरे संत सीने पसीने सत्संग सुनाते थे, कहीं आम सत्संग, कहीं खास सत्संग और कहीं सीने पसीने का सत्संग सुनाते थे, हरि देवी देवताओं की जानकारी कराते थे। और जब दोनों तरह के लोग रहते थे, तब ऊपरी लोगों की जानकारी, उनका अनिभेद ये बताते थे।
गुरु महाराज के जैसे सत्संग में तो हर किसी की शंकाएं बगैर पूछे ही दूर हो जाती थी। एक जौहरी था, काफी संपन्न था, बड़ा कारोबार था। उसके पास एक बेश कीमती हीरा था, तो अपनी औरत को दिया और कहा कि इसको संभाल करके रखना, ये तेरे गाढ़े दिन में काम आएगा। गाढ़ा दिन का मतलब किसी हालत में, खराब समय में, माली हालत जब खराब हो जाएगी तब ये तेरे काम आएगा। उसने संभाल करके रख लिया। अब यह भी निश्चित है कि अक्सर ये जो स्त्री और पुरुष होते हैं एक साथ, अकाल मृत्यु भले हो जाए लेकिन एक साथ ऐसे प्राण नहीं त्यागते हैं। समय होता है, जिसका समय पूरा हो जाता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तो इस दुनिया संसार से चले जाते हैं। तो उस समय पर औरतें कमाती नहीं थी, घर से बाहर नहीं जाती थी बिजनेस व्यापार के लिए या नौकरी के लिए, घर में रहती थी, गृहस्थी का काम देखती थी, बच्चों को आगे बढ़ाती थी, पढ़ लिख करके बच्चे और फिर ये लायक बन जाएंगे, ये गृहस्थी को हमारे चला लेंगे। तो उस समय पर मान लो दिक्कत आ जाए पैसे रुपए की, तो लोग अपनी औरत के लिए रख देते थे। अब आजकल की तो ये बच्चियाँ नौकरी करने लगी, इनको फंड मिलता है, बचत होती है, तनख्वाह में भी जमा कर लेती हैं, आगे काम आता है। समझदार जो होते हैं आखिरी वक्त तक पैसा रखते हैं, क्योंकि ये माया है पैसा, और माया की ज़रूरत आनी समझो आखिरी वक्त तक रहती। कुछ लोग घर से बाहर निकलते हैं आजकल के समय में तो रुपया पैसा कुछ जेब में ज़रूर रख लेते हैं कि हमारे आगे काम आएगा, पता नहीं कहाँ कैसे ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि वो मानवता पहले जैसी तो रही नहीं कि दूसरे को खिला के आदमी खाए, अब तो छीन करके खा लेने वाली प्रवृत्ति बन गई, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। दे दिया, रख लिया उसने, और संयोग के बाद सेठ का समय पूरा हो गया, चला गया दुनिया से। तो जो कर्मचारी थे, नियत खराब हो गई, कमाया तो था नहीं उन्होंने, मेहनत तो किया नहीं था, वो तो जो मेहनत करके लाता है उसकी नियत साफ रहती, क्योंकि जो मेहनत करके लाता है उसी के पास रुपया पैसा ज़्यादा होता है, रुकता है। कुछ लोग तो बिजनेस व्यापार में अपना नियम बना लेते हैं कि नियम के अंतर्गत ही हमको चलना है, ज़्यादा हमको नहीं कमाना है, ज़्यादा हम कमाएंगे तो यानी समझो कि हम दूसरे का हक लेंगे और उसको हमको देना पड़ेगा। तो जब ज़्यादा कमाने की नियत खराब करके लाने की प्रवृत्ति बन जाती है तो एक दिन जब जाती है तो बहुत तकलीफ होती है। और यह निश्चित है कि लक्ष्मी एक जगह ठहरती नहीं है, जब वो ये देखती हैं कि इसकी नीयत सही है, हमको ये अच्छी जगह पर लगाएगा, तब रुक जाती हैं। नहीं, जुआरी के पास रुपया पैसा रुकता है, शराबी के पास जो गंदी जगह पर बकरों के कटने की जगह पर फेंक करके आता है, कुछ दिन के बाद कंगाल हो जाता है, नहीं रुकता, हाय हत्या लगी रहती है, बरकत नहीं मिलती है। तो सेठ तो ख़त्म हो गया, और इधर उसके जो कर्मचारी थे वो बेईमान निकल गए, तो धंधा सब हो गया चौपट, और घर की हालत बड़ी हो गई ख़राब। सेठ के एक लड़का था, धीरे धीरे बड़ा हो गया। तो एक दिन माँ ने कहा कि लड़के से, सेठ की औरत ने, कि देख अब इस समय पर दिक्कत हो गई खाने पीने की अन्य चीज़ों की भी, तो एक ये सामान दिया था तुम्हारे पिताजी ने, कहा था मुसीबत जब आएगी
तब तो इसको निकाल देना और ये बेशकीमती है। तो बेटा उन्होंने कहा था बेशकीमती है, जिसकी कीमत आंका नहीं जा सकता है, तो तू इसको ऐसे किसी को मत देना, इसको गवा के मत आना, तू चला जा, देख कितनी कीमत मिलती है इसकी। लड़का निकला, सबसे पहले एक औरत साग सब्जी बेच रही थी, उसको दिखाया इस लोगे, देखा उसने कहा है तो ये बड़ा चमकीला, लेकिन ये पत्थर किस काम आएगा, ले ले दो मूली ले ले दे दे, लड़के खेलेंगे, बहुत देखने में ठीक लग रहा है, लड़के खेलेंगे। तो उसने कहा नहीं दो मूली में नहीं देंगे। आगे गया राशन की दुकान पर, अन्य दुकानों पर भी ऐसे गया, कोई कहा बर्फी ले लो, कोई कहा आटा ले लो, कोई कहा चीनी ले लो, कीमत बढ़ती गई उसकी। फिर गया सुनार की दुकान पर, उसने कहा 500 रुपये ले लो, तब उसकी हिम्मत बढ़ी कि है तो कीमती चीज़ है, माँ ने कहा था देना मत ऐसे किसी को, दे मत देना। तो और आगे चलते हैं, आगे बढ़ा तो ये जो छोटे छोटे मणियों मोतियों का काम करते हैं दुकानदार, पन्ना नीलम का, उनके यहाँ गया, उनको दिखाया, कहा 1000 रुपये मिल जाएगा इसको। फिर हीरा की दुकान पर गया, तो उस समय बहुत ज़्यादा बेईमान नहीं होते थे, खाते भी थे, तो कहते हैं दाल का नमक चल जाता है लेकिन दाल ही न पी जाओ। तो उसने कहा भाई ये तो है बड़ी कीमती चीज़, इसकी कीमत हम नहीं दे सकते, तुम चले जाओ एक बहुत बड़े जौहरी हैं सेठ पैसे वाले, उनके पास जाओ, वो इसकी कीमत तुमको दे देंगे। तो ये उनके पास पहुंचा, तो ऐसे दिखाया, उन्होंने देखा तो कहा ये तो उसको मिला कहाँ से। तो लड़के ने कहा कि हमारे पिताजी हमारी माताजी को दिए थे। कौन है तुम्हारे पिताजी, नाम बताया। कहा अरे हाँ वो तो बहुत बड़े पारखी थे, बहुत बड़े व्यापारी थे, आजकल दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो लड़के ने कहा वो तो शांत हो गए, शरीर छोड़ गया उनका, चले गए। बोला देख सच पूछ तो ये इतनी कीमती है कि मेरे पास इसको चुकाने का पैसा नहीं है, लेकिन मैं तुझको भेजता हूँ, मेरी दुकानें हैं, उन दुकानों में से जितनी इच्छा हो तू सामान ले ले, भरा पड़ा हुआ है, भंडार है, 3 दुकानों पर मैं तुमको भेजूँगा और तीनों का सामान तुम जो ले सकना ले लेना, लेकिन तुमको समय दिया जाएगा, समय मिलेगा तुमको, 15 मिनट का समय, 30 मिनट का समय, 60 मिनट का समय, और समय जैसे ख़त्म हो जाएगा हमारे आदमी तुमको बाहर निकाल देंगे दुकान से, और उस समय जो तुमको पसंद आ जाए वो सामान तुम ले करके हमारे आदमियों को दे देना, वो बाहर निकाल देंगे और फिर उसको तुम उठवा लेना, लेकिन जब समय पूरा हो जाएगा तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। ले गए, अब वो खिलौने कपड़े और बच्चों की चीज़ें अच्छी अच्छी दुकान पर लगी हुई थी, चमकीली चीज़ें सजावट की चीज़ें लगी हुई थी। अब वो एक एक चीज़ को ऐसे काफ़ी देर तक देखता रहा, फिर जाए फिर कहे कौन सा लें, और अच्छा दिख जाए फिर और अच्छा दिख जाए, बस उसी में 15 मिनट ख़त्म हो गया। जो साथ में था वो बतलाता जाता था, 5 मिनट ख़त्म हो गया तुम्हारा, 6 मिनट ख़त्म हो गया, 7 मिनट ख़त्म हो गया, 15 मिनट यानी समझो ख़त्म, चलो बाहर चलो, बाहर कर दिया। फिर 30 मिनट वाले में ले गया तो वहाँ पर भी
बढ़िया बढ़िया घड़ी, बढ़िया मोबाइल, बढ़िया रेडियो, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, उस समय तो था नहीं, लेकिन इस तरह की चीज़ें कि जैसे जवान लोग पसंद करने वाली चीज़ें, जवानों को पसंद आती हैं वो चीज़ें, वो सब उस तरह के कपड़े लटके और वो सब लगे हुए थे, बढ़िया खिलौने चांदी के और सामान सब लगा हुआ था। उसको भी वो वैसे ही देखता रह गया, उसी में देखता रह गया, और वो कहे भी समय निकल गया, कहा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखता हूँ, निकालता हूँ, लेता हूँ, बस वो भी समय निकल गया। वो फिर तो वहाँ मेलों लंबा खुली दुकान, बढ़िया बढ़िया बिस्तर, बढ़िया बढ़िया बेड, बढ़िया चारपाइयाँ, बढ़िया कुर्सी मेज, और बढ़िया मोटर कारें और साइकिल और ये वो जो भी चीज़ें उस समय चलती थी, बग्घी है, ये है, वो है, वो सब लगा हुआ है एक तरफ से। अब उसको भी देखता रहा और वो बराबर समय बताता गया, कितना समय हो गया, इतना समय हो गया, इतना समय हो गया। जब जहाँ पर खड़ा था वहाँ से आने में जितना समय लगता, 3-4 मिनट, तब उसने बताया कि अब तुमको निकलने में इतना समय लग जाएगा, इसलिए अब तुम देखते हुए तो जा रहे हो, लौटो और लौट करके जो देखे हो उसमें से कुछ ले लो। फिर सोचता रहा क्या लें, या लें ना लें, कौन सा लें, और उसके बाद में बोला बस 1 मिनट समय रह गया और तुम गेट के पास पहुंच गए, अभी तुमको बाहर कर दिया जाएगा, अब ले लो जो तुमको लेना है। तो गेट के पास में क्या लगा हुआ था उस समय पर, कौड़ी चलती थी, छदाम चलता था, पैसा चलता था, रुपया चलता था, उस समय सिक्का जिसको कहते हो ये चलता था उस समय पर, तो वहीं पर कौड़ियाँ पड़ी थी और ये घिसे मिटे पत्थर और बाट माप घिसे पिटे पड़े हुए थे। जब ये बाट घिस जाते हैं तो इनको लोग फेंक देते हैं क्योंकि वजन कम हो जाता है, और रखते रखते लोहे का भी बाट घिस जाता है। उस समय पर तो लोहे के बाट कम होते थे, एक लोहे के बाट से लोग पत्थर तोल करके पत्थर के बाट बना लेते थे। तो वही बोरी पड़ी हुई थी और वही बोरी देखा वजन है तो लाओ थोड़ी चीज़ तो ले जाएँ, अब जब एक ही मिनट बचा है तो अब लाओ बोरी ले लें, और वही बोरी उठाया और गेट के बाहर पटक दिया। अब क्या मिला उसको उसके बदले, वही यही आई समझो कि कौड़ी मिली, वही छदाम मिला उसको। आप देखो घड़ी क्या चेतावनी देती है कि एक एक मिनट जीवन का खत्म हो रहा है। जन्मदिन मनाते हैं, क्यों मनाते हैं ये नहीं पता है, ये किसने जन्मदिन मनवाना शुरू किया, महात्माओं ने एक यादगार के लिए कि एक साल निकल गया। पूछो जन्मदिन माता जी क्यों मनाती हो बच्चे का, तो कहेंगे कि अरे हमारी सासू माँ भी मनाती थीं, हमारी माता जी भी मनाती थीं, सब लोग मनाते हैं तो हम भी मनाते हैं। लेकिन जन्मदिन मनाने का मतलब ये होता है कि एक साल उम्र ख़त्म हो गई। खुशी के बजाय सोचने विचारने की ज़रूरत होती है, उपदेश करने कराने की आवश्यकता होती है। जैसे पहले के समय में गृहस्थ कोई भी कार्यक्रम करता था, होता था उसके यहाँ, चाहे शुभ काम हो चाहे अशुभ काम हो, उस कार्यक्रम में उपदेश होते थे, समझाया जाता था, बताया जाता था, अलग अलग उपदेश अलग अलग कार्यक्रमों में होते थे, जन्मदिन पर अलग उपदेश, मुंडन छिंदन पर अलग उपदेश, शादी ब्याह का अलग उपदेश, और मृत्यु हो जाने के बाद का अलग उपदेश हुआ करता था। तो उपदेश लोग सुनते थे, और सुनते ही नहीं थे, अमल करते थे। देखो अमल करने से ही होता है, अमल अगर न करो तो फिर तो समझो तो बेकार है। वो थे ना 10 गुरुओं में,
गुरु गोविंद सिंह हुए, आखिरी गुरु थे वो। उसके बाद में तो उनके बताए हुए अनुसार लोग चलने लग गए। वो गुरुओं की परंपरा जो उनकी चली आ रही थी नानक जी की, वो ख़त्म हो गई। वो चीज़, वो दौलत दूसरे के पास चली गई, तो उसमें आश्रम बना करके वो रहते थे। तो वहाँ पर एक गांव का आदमी सीधा साधा गया, तो कहा कि यहाँ पर हम रहना चाहते हैं, क्यों रहना चाहते हो? बोला, आप हमको बहुत अच्छे लगते हो, आपसे हमको प्रेम हो गया है, हम आपके यहाँ रहना चाहते हैं आश्रम पर। तो तू आश्रम पर रहकर क्या करेगा? जो आप कहोगे करूँगा। अरे तो तू क्या कर लेता है? तो कहा कि खेती कर लेते हो ना? खेती तो नहीं करते हैं, मजदूरी करता था बेचारा, खेती तो नहीं करते हैं। तो कहा, तो और क्या तुम घोड़ा तलवार चला लेते हो? हंस के कहा, कहा नहीं, तलवार नहीं चला पाते। तब कहा, कुछ पढ़ लिख लेते हो? नहीं कुछ नहीं। कुछ सुना सकते हो? नहीं कुछ नहीं। तो कहा कि घोड़ा आई सवारी कर सकते हो? घोड़ सवारी? कहा, घोड़े की सवारी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन घोड़ों की हम सेवा कर सकते हैं। तो कहा, तो ठीक है। भाव देखा उन्होंने, भक्ति देखी। भक्त के वश में कहते हैं ना कि भगवान होते हैं। देखा भाव, भक्ति देखा। तो कहा कि ठीक है, चल तू घोड़ों की सेवा कर। घोड़ों की सेवा किया और तगड़े हो गए घोड़े। तो गुरु जी एक दिन उधर गए, देखा घोड़े तगड़े हो गए, खूब सेवा किया, लगा रहता था इधर उधर, कुछ नहीं देखना, अपने काम से काम रखता था। हर कोई उसकी तारीफ करते थे। देखो, जो पंचायती लोग होते हैं उनकी तारीफ नहीं होती। कोई तो उनको बहुत खुश रहता है, खूब काफ़ी चाय पिलाएगा, सेवा करेगा, लेकिन दूसरे लोग ज़्यादा संख्या में उनसे नाराज हो जाते हैं। तो पंचायती नहीं था, अपने काम से काम था, ज़्यादा चक्कर नहीं पड़ता था, अपने काम से काम रखता था। तो एक दिन जब गुरु जी देखे गए, भाई घोड़ों की सेवा तो खूब कर रहा है, तब खुश हुए। कहते ना कि खुश किससे किया जाता है? गुरु को, सेवा के द्वारा। सेवा से खुश होते हैं। जो उनका मिशन हो, जो उनका काम हो, जो उनका लक्ष्य हो, उसको जो पूरा करता करवाता है, उससे खुश होते हैं। तो कहा, क्या नाम क्या है तेरा? तो कहा, बेला। तो कहा, बेला तो कुछ पढ़ा लिखा है? कुछ नहीं पढ़े। पढ़ना चाहता है? हाँ पढ़ना तो चाहता हूँ गुरु जी, है कौन पढ़ाएगा हमको? अरे हम तो इसको पढ़ा देंगे। तो गुरु जी, कहाँ कैसे हम पढ़ेंगे? देख, तुझको हम एक एक ही एक एक दिन याद कराएंगे, बस तू याद कर लेगा, पढ़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में बस्ती है, तो बस्ती में एक ठाकुर साहब थे, जमींदार संपन्न सत्संगी थे, तो वहाँ बाबू साहब कहते हैं, बाबू साहब थे। तो उनकी एक उनकी सेवा करता था एक लड़का था, गरीबों का ही था। तो वो उनकी सेवा करता था। क्या सेवा करता था? हाथ धुला देना, पानी पिला देना, नहला देना, घर में से रोटी ला के खिला देना, ये सब काम करता था। तो उससे वो खुश रहते थे, सेवादार बहुत था। उसने भी नामदान बाद में ले रखा, बाद में लिया था, शुरू में तो वही नामदानी थे बहू साहब। तो जब वो खुश हुए उससे, तो कह के जो है वो तो कुछ पढ़ेगा? हाँ पढ़ेंगे। तो कहा, तो थोड़ा थोड़ा हम पढ़ा देंगे। तो कहें, देख जैसे मैं बोलता हूँ ऐसे तू बोल। तो वो अंग्रेजी भी पढ़े थे, उर्दू भी पढ़े थे और हिंदी भी पढ़े थे, पहले ज़माने के थे, उर्दू चलती थी, उर्दू भी पढ़े थे। अब जैसे वो बोले तैसे कहे, ऐसे तू बोल, बस वो धीरे धीरे सीख गया। वो गलती करे तो उसको बता दें, कहें ऐसा नहीं ऐसा है। तो वो इतना बढ़िया उर्दू लफ्ज बोलने लगा और सत्संग उर्दू में सुनाने लग गया। तो उर्दू पढ़े लिखे लोग कहें, भाई ये तो बहुत पढ़ा लिखा है। और सत्संग वगैरह वो सुनाते थे,
कोई आ जाए दरवाजे पर तो सुनाते रहते थे, सुनता रहता था और इंग्लिश शब्दों का भी प्रयोग करता था, लेकिन उच्चारण कहीं कहीं गलत हो जाता था, उससे ही अंदाज़ा लगता था। लेकिन कभी कभी कहीं कहीं की जो देखो पढ़ाई है वो अच्छी नहीं है, मास्टर भी उसी तरह के हैं, तो लोग समझते थे कि कोई अच्छा मास्टर शुद्ध उच्चारण करने वाला नहीं मिला तो ये नहीं जान पाया। लेकिन जब सुनाने लगे, बात करने लगे, तो लोग समझे कि काफ़ी पढ़े लिखे हैं। अब जब कहीं रुपया पैसा लेना हो तो कहे कि हम अंगूठा लगाएंगे, तो लोग कहें अरे तू दस्तखत कर दे, अंगूठा क्यों लगाओगे तुम, पढ़े लिखे आदमी। कहे नहीं नहीं हम विद्याविहीन हैं, विद्याविहीन, विद्याविहीन का मतलब विद्या पढ़े नहीं हैं। लोग कहें इतना बढ़िया तुम बोलते हो, बोले नहीं हम पढ़े नहीं, हम कढ़े हैं, हम दस्तखत नहीं, हम अंगूठा लगाएं, समझा। तो ऐसे आने समझ लो कि रट जाता है आदमी, देखते देखते सुनते सुनते आने समझ लो सीख जाता है। तो बेला को एक एक लाइन देने लगे, रोज रटाने लगे। तो एक दिन गुरु जी जा रहे थे, जल्दी में थे, उस दिन उसको कोई उक्ति कोई लाइन याद करने के लिए नहीं बता पाए थे। तो जब चलने लगे तो दौड़ करके गया, कहा गुरु जी आज नहीं बताए, आज भी कुछ बता दो, आप जा रहे हो तो फिर शाम को लौटोगे तो हम क्या याद करेंगे। तो उन्होंने कहा वो अरे भाई बेला, न वक्त देखा ना बेला, तो वो इतना कह करके चले गए। वो अब वो यही रटता रहा, वरे भाई बेला न वक्त देखा ना बेला, वो न वरे भाई बेला न वक्त देखा ना बेला, दिन भर रटता रहा। अब सुनने वाले लोग जो आश्रम के थे वहाँ कहें क्या रट रहा है, आज ये क्या रट रहा है। जब शाम को गुरु जी लौटे, सत्संग में जा रहे थे, तो खड़ा हुआ था ऐसे हाथ जोड़े हुए, दीनता भरी नज़र से देख रहा था। तो जो साथ में लोग थे उन लोगों ने कहा गुरु जी आज इसको कौन सा पाठ आप बता के गए थे। बोले आज तो हमने कुछ बताया नहीं। बोले या तो यही रटता रहा कि वरे भाई बेला न वक्त देखा ना बेला, वरे भाई बेला न वक्त देखा ना बेला। तो बोले जिसने वक्त और बेला नहीं देखा उसी का काम तो बन गया, वही तो बढ़ गया आगे, इतना कहकर चले गए। अब गया वो सत्संग में बैठा और वहीं पर उसकी चढ़ाई हो गई, बेलक गया हो गई, ऊपर जाने लग गया। तो कहते हैं जो डाल फलती है, जो पेड़ फलता है वो झुक जाता है, डालें उसकी झुक जाती हैं। जिस पेड़ में फल लगा हुआ हो दूर से ही देखो तो पता चल जाता है कि यह काफ़ी फल लगा हुआ पेड़ है, तो आप ये समझो उसके स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ गया। अब लोग अंदाज़ा तो लगाते ही थे कि भाई किसको क्या मिला, अंदर में कैसे तरक्की हुई, क्या हुआ, क्योंकि सत्संग में सारे लक्षण ये बताए जाते हैं, तो लोगों को अंदर अंदर उससे जलन होने लगी। अंदर की जो जलन होती है दूसरे के प्रति वो बहुत तकलीफ देती है, इसीलिए कहते हैं कि जलना नहीं चाहिए दूसरे को देख करके, अपने को कोसना चाहिए कि हमारे पास ये चीज़ क्यों नहीं है, सोचना चाहिए भाई, सोच लेना चाहिए हमारे प्रारब्ध की चीज़ अभी हमको नहीं मिली है, हमको और प्रयास करना चाहिए। तो और प्रयास करता है आदमी, चाहे दुनियावी कोई चीज़ हो चाहे आध्यात्म परमार्थ की कोई चीज़ हो, प्रयास करने से मिलता है, कोशिश करने से चीज़ मिलती है। तो ये तो नहीं सोचा, तो एक दिन तो गुरु जी से एक आदमी ने कह ही दिया, ये इसको आए हुए चार दिन हुए और देखो इसकी चढ़ाई हो गई, आपने इस पर दया कर दिया, हम लोग तो इतने दिनों से आपकी सेवा कर रहे हैं अभी कुछ नहीं हुआ, तो गुरु जी कब दया करोगे। तो
कुछ नहीं बोले, दूसरे से कहलवाया, हर तरह के जीव आते हैं संतों के पास, एक ही संस्कार के नहीं रहते, हर तरह के आते हैं। और हर तरह के अगर नहीं आएंगे तो सुधार कैसे होगा, बदलेंगे कैसे? कुछ देखा देखी आदमी बदलता है, कुछ कर्म करते हैं सेवा से तब बदलता है। तो कहते हैं ना, बानमती ने कुनबा जोड़ा, हर तरह के जीवों को पकड़ते हैं संत, और हर तरह के जीव आते हैं संतों के पास। तो दूसरे से कहलवाया कि तुम कहो, वो भी यही बोला, गुरुजी कुछ नहीं हो रहा, इतने दिन से लगे हैं, कुछ नए नए लोगों को दौलत मिल गई अंदर की, हम तो लोग ऐसे रह गए, कुछ नहीं बोले। फिर सामूहिक रूप से सब लोग गए, चार छः लोग, चलो आज दया ले ही लिया जाए गुरुजी से, गुरु हमको क्यों नहीं दया दे रहे हैं, कहा जाए गुरुजी अब दया दो, हम लोगों के भी चढ़ाई कराओ। तो गए, कहे, बोले अच्छा, बैठे रहे और बातचीत करते रहे। तो बोले कि इधर कहीं भांग मिलेगी? बोले गुरुजी भांग तो लगी है, कुछ दूर आगे वहाँ लगी हुई है, भांग तो अपने आप जम जाती है, उसका बीज जम जाता है और उसी भांग को सुखवा देते हैं तो उसका गांजा बन जाता है, फिर उसी का रस निकाल लेते हैं, जमा देते हैं तो वो चरस बन जाता है। तो भांग जो है नशीला होता है, इसलिए हर कोई उसका इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन जो जानकार होते हैं खोज करके उखाड़ करके ले जाते हैं, बीज पड़ा रहता है फिर जम जाता है। तो कहा भांग तो है, तो कहे कि तो जब ले आओ। अब लोग सोचने लगे, गुरुजी तो नशा मुक्त कराते हैं, बीड़ी सिगरेट तक कहते हैं कि अमल रहेगी, आदत रहेगी तो आदत के गुलाम रहोगे। तो गए गुरु का आदेश, कहते हैं चाहे रैन में हो, चाहे बैन में हो, चाहे सैन में हो, मानना चाहिए। तो गए और भांग ले आए, बोले इसको बटो। तो भांग को जितना ही बटते हैं उतना ही वो नशीला होता है। बोले इसको खूब बटो, खूब बटे, और बट करके घड़े में घुलवा दिया और एक एक गिलास का इसको मुँह में डालो और कुल्ली करो, मुँह में डाले कुल्ली के, मुँह में डाले कुल्ली के, मुँह में डालें कुल्ली कर रहे हैं। तो जब कुल्ली कर चुके हैं सब लोग, तो बोले कि ये क्या काम करता है? बोले भांग तो नशा करता है गुरुजी। तो बोले नशा हुआ? अरे नशा क्या होगा, कुल्ली कर देना नशा होगा, गुरुजी इसको पीते तब तो नशा होता। तब बोले बस देखो, जो अलग से हैं मस्ती में डूबे, होश कब है उन्हें जिंदगी का, वो मस्ती ऊपरी लोगों की मस्ती जब आती है तो उसके आगे सारी मस्ती ये दुनिया की बेकार हो जाती है। तो यह मस्ती तो तब आती तुमको जैसे बेला को आ रही है कि जब जो बताया था वैसा तुम करते, वैसा सुमिरन करते, उसी तरह ध्यान लगाते, उसी तरह भजन करते, लेकिन तुमने तो नाम को लेकर के एक तरह से उसको किनारे कर दिया, कुल्ली जैसा कर दिया, तो कहाँ से नशा आएगा, कहाँ से तुमको नशा आएगा? तब उनको ज्ञान हुआ, बात तो सही है, नशा तो तब आएगा जब इसको पिएंगे, घोटेंगे और फिर पिएंगे। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि
सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।